है, लेकिन हम मुस्लिम औरतें अभी एनआरसी सीए तो लगा था, हम लोग निकल के आए, देखिए खत्म हुआ। अब हम लोग फिर निकल के आए तो सरकार खत्म करेंगे। तो आपको राशन मिल रहा है फ्री वाला? मिल रहा, मगर मोर माए बच्ची को देंगे, उनका छत दी नहीं है। जरूरत है बदलाव की, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है सबने देखा है, इसके पहले जो गवर्नमेंट रही है उसको भी सबने देखा है। और सुकून और अमन अमान अगर रहता है तो सिर्फ बहन जी की हुकूमत में रहता। हर गरीब अमीर जो उन्होंने नारा दिया है सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए, उस पर वो अमल करती हैं। इसीलिए हम सब लोग आज एकजुट हैं, हर समाज के लोग हर तबके के लोग यहाँ पर एकजुट हैं। और उनको पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे। हम ये सोच कर आए हैं, हमें बहन जी की सरकार चाहिए, बाकी सरकार को बदलना है हमको, ये सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। ये सरकार नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ दिख रहे हैं, आजकल एक बवाल चला हुआ कर्नाटक में हिजाब का, और आप लोग हिजाब पहन करके यहाँ पर आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो क्या हिजाब पे अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है सरकारें, क्या कर रही है? सरकारी हिजाब पे प्रयास लगाने का वो कर रही है, लेकिन सरकारों ने लोगों के मुंह पे मास्क क्यों लग गए हैं? फिर यही वजह से लगे, कुदरती मास्क लगवा दिए गए। हम लोग हिजाब पे कदम उंगली ना उठाएं, वरना अगर हिजाब वाली औरतें सब इकट्ठा हो गई तो रह नहीं पाएंगी यहाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिम ही निशाने पर क्यों होता है? क्यों मुस्लिम कमजोर पड़ रहा था? अब की मुस्लिम की औरतें बाहर निकली, अब कमजोर नहीं पड़ेगा? अभी तक के कमजोर था, क्यों महिलाएं घर बैठी थी? लेकिन हम मुस्लिम औरतें अभी एनआरसी सीए तो लगा था, हम लोग निकल के आए, देखिए खत्म हुआ। अब हम लोग फिर निकल के आए तो सरकार खत्म करेंगे, ये करेंगे बस। आप जो बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है, जो जो बहन मायावती, उनसे आपको क्या अपेक्षा है कि मुस्लिम समाज के लिए वो क्या करेंगे? करेंगे क्यों नहीं, बहुत कुछ करेंगे, इससे पहले कर चुकी हैं, ऐसा तो नहीं कुछ किया नहीं था, बहुत कुछ किया था उन्हीं ने, और भी करेंगी काम। बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ करेंगे। तो आपको जो जो वोट है, आप जो मुस्लिम समाज है, वो ज्यादा किस पार्टी की तरफ जा रहा है? ज्यादा कर हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा। अम्मा आप कहाँ से आई हो? हम भैया सदरमा कॉलोनी से। तो आपको राशन मिल रहा है फ्री वाला? मिल रहा, मगर मोर माए बच्ची को देंगे, उनका छत दी नहीं है। और उन्होंने क्या ऐसा क्या काम किया है जो उनके लिए आप उस सरकार उस पार्टी के लिए आप यहाँ रैली मारी है? वो माँ वो जब थी शासन टाइट था, माँ बहनें सेफ थी, किसी से कोई आपत्ति नहीं, कोई बदतमीजी। आज आज क्या माँ बहनें सेफ नहीं है योगी की सरकार में? अभी नहीं है, नहीं है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जो अन्याय नहीं मिल पा रहा? अन्याय होता है, हम लोगों की सुनवाई नहीं होती, कहीं भी जाते हैं भगा दिए जाते हैं। आपका क्या नाम है सर? आर के चौधरी। योगी जी तो कहते हैं कि जो वो गुंडों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। नहीं तो उनके गुंडे तो घूम रहे हैं, पच्चियों के गुंडे जो है, गुंडे हैं क्या? वो तो खाली अपना नाम चमका रहे हैं, बाकी गुंडे हैं क्या? उनके गुंडे तो पूरे घूम रहे हैं। जरूरत है बदलाव की, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है सबने देखा है, इसके पहले जो गवर्नमेंट रही है उसको भी सबने देखा है। और सुकून और अमन अमान अगर रहता है तो सिर्फ बहन जी की हुकूमत में रहता। हर गरीब अमीर जो उन्होंने नारा दिया है सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए, उस पर वो अमल करती हैं। इसीलिए हम सब लोग आज एकजुट हैं, हर समाज के लोग हर तबके के लोग यहाँ पर एकजुट हैं। और उनको पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे। मुख्यमंत्री आप बनाएं। आपका क्या नाम है? हसीब अली। हसीब अली जी, ऐसा क्या हो जाता है कि कई बार सुनने में आता है कि जो मुस्लिम समाज है वो एकजुट नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिखर जाता है? सर, मुस्लिम समाज इसलिए बिखर जाता है और बहन मायावती की हुकूमत बहुत सख्त रहती है, कर्मचारी जो है टाइम से ड्यूटी पे पहुंचते हैं। अखिलेश की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, क्या मुस्लिम समाज उन्हें भुला पाया है? नहीं है? नहीं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज अखिलेश यादव को वोट कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? गलत है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद वारिस अली। वारिस अली जी, आपको क्या लगता है कि सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आएगी? बिल्कुल आएगी, अब पूरी बहुमत से आएगी। ऐसा क्या है बहन जी की बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है? इनकी सरकार में जो है उसको क्या कहते हैं, हर एक चीज से बात जो है सच्चाई की है, ठीक। जो भी ये कार्य करती है एकदम समझ लीजिए, महिलाएं क्या आदमी सभी के साथ, इनका एक नियम, हर एक नियम इनका एक सभी के साथ सही रहता है। कोई ये नहीं है कि औरत के साथ अलग हो या हिंदू के साथ अलग हो या मुस्लिम के साथ अलग हो,
इनके इनका जो है जो भी नियम कानून है एक है। ऐसा है कि शासन अच्छा है इस बात को सभी कहते हैं, ये कहते हैं कि सबके समान न्याय करती हैं, लेकिन वोट उतना क्यों नहीं मिल पाता, क्यों लोग भाग जाते हैं? नहीं, अपकिल मिलेगा, अपकिल पूरी फुल बहुमत से हमारी बहन मायावती जी को सरकार इन्हीं की बनेगी और 100% बनेगी, क्लियर एकदम 100% मिलेगी। तो आपको लग रहा है कि जो लखनऊ साइड है इसमें सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं जी। लेकिन मेरा ये कहना है जो कांग्रेस है, कांग्रेस में आजकल जो प्रियंका गांधी है वो कह रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या उससे पहले लड़कियों का इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में लड़कियों ने कोई काम नहीं किया या बढ़ी नहीं है? नहीं किया है जी। उनकी भी सरकार बना है, इनकी मेरा है, मगर इनकी सरकार में अच्छी सरकार है जी। ठीक है, उनके भी बहन मायावती की सरकार में अच्छे शासन है और कड़े शासन है। हमारे आपके स्कूल है ठीक है, और उसको क्या कहते हैं पुलिस थाने चौकी में किसी की रिपोर्ट है क्या है, हर एक चीज की सुनवाई होती है ठीक है। मैं आपका क्या नाम है? हमारा नाम मकसूद अहमद है। मकसूद अहमद जी, आपको क्या लग रहा है कि जो है जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें मुस्लिमों को न्याय मिल पाया है? शायद नहीं है? शायद नहीं, नहीं मिल पाया। हाँ, तो ऐसा आप क्या चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए, क्यों चाहते हैं? जी हाँ, चाहते हैं यहाँ इंसाफ होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, इस पार्टी में इंसाफ होता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारे मुस्लिम समाज के साथ साथ एक कसम खाते हैं, ये प्रण करते हैं, ना हम बीजेपी को वोट देंगे, ना हम कांग्रेस को वोट देंगे, ना सपा सरकार को वोट देंगे, सिर्फ बहुजन समाज की शेरनी कुमारी मायावती 2022 के अंदर हाथी के चुनाव चिन्ह पर उनको मोहर लगाकर विजय बनाकर देश का सीएम और प्रधानमंत्री बनाने का प्रण करते हैं। रोटी कपड़ा और मकान मिल सके, लेकिन इस मामले में हर साल इनके जन्मदिन के मौके पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों ने कभी भी इनकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि बीएसपी की रही सरकार ने इनकी इस बात पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अमल किया है। इसके अलावा इनके नाम पर वे आदर सम्मान में जनहित के अनेकों ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं, और अब इनके सपनों को साकार करने के लिए इस चुनाव में यह पार्टी के लोगों को फिर से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आपके सबसे पहले।